हर हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी साधना पूर्ण क्यों नहीं हो पाती। ये बहुत बड़ा विषय है और ये बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं जो आजकल लोग साधना करते हैं, उनकी साधना पूर्ण क्यों नहीं होती। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इस बात को आप जान लीजिए। आज देखिए होता क्या है, जब किसी भी मंत्र का आप जाप करते हैं, जैसे कोई बड़ी शक्ति, जैसे मान लीजिए माता भगवती हो गई, बाबा विश्वनाथ हो गए, या शिव जी के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, ऐसे जो कोई बड़ी शक्तियाँ जो होती हैं, जैसे माता काली हो गई, ये लोग का, तो जब इनके में आप जाप करने लगते हैं, तो जब आप मंत्र जाप करते हैं, तो होता क्या है कि शास्त्रों के अनुसार जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है, जब शक्तियाँ आपके पास आने वाली होती हैं या शक्तियाँ सिद्ध होने वाली होती हैं, तो क्या होता है कि इंद्र की गद्दी जो होती है वो हिलने लगती है। क्योंकि इंद्र की गद्दी इसलिए हिलने लगती है कि अगर ये आ गए, मतलब माता भगवती की अगर आप साधना कर रहे हैं, तो माता भगवती आपके पास आ गई, तो इंद्र को मजबूरी में आपका हर कहना मानना होगा। उनकी मजबूरी होगी कि आपके वो अधीन हो जाएंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे वो चलेंगे। तो वो क्या करते हैं इंद्र, अब इंद्र अपने अप्सराओं को भेजते हैं आपके पास। अप्सराओं को भेजने के पास 90% या 99% लोगों की साधना ब्रह्मचर्य की वजह से टूट जाती है। ये बात आप जान लीजिए, 99% लोगों की साधना ब्रह्मचर्य की वजह से खंडित होती है। 1% की साधना ऐसी होती है जो डर उड़ के हट जाते हैं, नहीं तो 99% लोगों की साधना ब्रह्मचर्य की वजह से ही खंडित हो जाती है। ब्रह्मचर्य टूट जाता है, साधना खंडित हो जाती है। सपना दोष हो जाता है, साधना खंडित हो जाती है। उनकी नीयत सही नहीं होती है, साधना खंडित हो जाती है। ये सब चीज़ें होती हैं। अब इससे परहेज कैसे करें, तो देखिए होता क्या है कि इंद्र आपके जो मंत्रों की जाप होता है ना, उसको चोरी करने लगते हैं। तो इससे बचने का क्या उपाय है, इससे बचने का एक उपाय ये है कि जब आप आसन लगा लें अपना, आसन कीलन मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, अगर आसन कीलन आप करते हैं तब तो आपको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ये अगर आप आसन कीलन नहीं करते हैं तो आपको करना क्या है कि सीधे हाथ में जल लेना है। सीधे हाथ में जल लेने के बाद वो जल अपने आसन के नीचे डाल देना है, पहले बैठने के पहले ही, और आसन को अपने प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद बैठना है, फिर जब उठेंगे आप, तो उठने के बाद मतलब आसन पे से आपको उठना नहीं है, जल बगल में ही रखना है, दूसरा जल लेना है उसी हाथ में, दूसरी बार हाथ में लेना है जल, फिर वो जल को आप जो है आसन के बगल में डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी साधना जो है वो इंद्र चोरी नहीं कर पाएंगे, वो साधना आपकी चोरी नहीं हो सकती उससे। नहीं तो आपका ज़िंदगी बीत जाएगा, आप साधक नहीं बन पाएंगे, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, साधना चोरी करते रहेंगे इंद्र, नहीं साधना आपकी कभी पूरी नहीं हो सकती। ये बात जान लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, कोई बताता नहीं इस विषय में। और भी ऐसी रोचक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें आप, आपको आगे ऐसे ऐसे चल के बहुत सारे रहस्य बताए जाएंगे। चलिए चलता हूँ साधकों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।